तत्काल ऑफ कर लीजिए. ओके, वीडियो आप ऑफ कर लीजिए तत्काल. ऑलराइट, नाउ आई थिंक लेट ऑल द स्टूडेंट्स कम. वी हैव जस्ट विद इन वन और टू मिनट्स विल बी हियर. ओके, विल बी हियर, विल बी स्टार्टिंग अवर क्लास. आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा. आप देखेंगे हम लोगों ने क्या किया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीख रखा है. दैट मीन्स अब वी आर फ्री. बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल तरीके से हम आपको बताने वाले हैं. जो कि लेट मी टेल यू, व्हेन वी वर स्टूडेंट, तो जो अभी बताने वाले हैं इस तरह से किसी भी बुक में डिस्कस नहीं किया हुआ है. व्हेन आई से किसी भी बुक, आई रियली मीन इट एंड आई एम 100% सीरियस एंड वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम टेलिंग यू. वो रियलिटी है. आप किसी भी बुक में जाएंगे इतना बढ़िया से डिस्कस नहीं है जितना बढ़िया से आज आपको डिस्कस किया जाएगा. एंड कॉन्सेप्ट इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट. कहने का मतलब कब टॉर्क लेना है, कब टॉर्क लेना है, कब टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना है, ये हमको सीखना है. आप जनरली आप देखेंगे कि टॉर्क लेते टाइम ना एक फिक्सेशन है. फिक्सेशन मीन्स एक लोगों को ना लगता है कि मतलब ऑटोमेटिकली वो सेंटर ऑफ मतलब किसी भी चीज के सेंटर के अबाउट टॉर्क लेना शुरू कर देते हैं. अच्छा बात नहीं है. कोई जरूरी नहीं कि आप सेंटर के अबाउट ही टॉर्क ले. आप टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन. ये कौन है भैया आप? ओके, तो टॉर्क जो है आप किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं. सो आई थिंक जैसा हम लोग हमेशा से करते हैं, नाउ इज द टाइम व्हेन वी कैन गेट टू नमन है ना. ठीक है, सारे लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लें एक बार. एंड सारे लोग प्लीज स्विच ऑन वीडियो, ऑल ऑफ यू स्विच ऑन वीडियो, ऑल ऑफ यू. या ग्रेट, एक्सेलेंट. एंड ये आपका रिकॉर्ड में जा रहा है. एंड एक्सेलेंट एक्सेलेंट. एंड हम कुछ और देखिए, सारे लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. वीडियो, ऑल ऑफ यू शुड स्विच ऑन योर वीडियोस, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू. ओके, एंड आई हैव टू पेजेस ओवर हियर. कुछ लोगों का वीडियो नहीं भी आ पाता है रिकॉर्डिंग में. दैट इज रियली डिसअपॉइंटिंग, बट दिस इज नॉट इन माय हैंड. कुछ लोगों का वीडियो नहीं भी आ पाता है, तो आई कैन नॉट डू मच अबाउट इट. लेट मी गेट सम पीपल इन. सारे लोग अपना वीडियो ऑन रखें, सो दैट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, so that we can have a feel that all of us are in the class, you know. Generally aap dekhiyega, generally aap dekhenge ki jaise YouTube par jo live chalta hai, sirf bolne wala jo matlab aapke jo teacher hain wo dikhte hain, wahi bol rahe hain. Baki jo hai, if I am not wrong, wo agar kuch kehna chahta, matlab agar students kuch kehna chahta hai to usko chat ke through jana padta hai. Dekhiye Riya Jha se hamari baat nahi ho payi, and Riya Jha aap apna unmute kar lijiye. Haan, देखिए बहुत दिनों से रिया झा क्लास लगातार कर रही है, बट उससे बाहर रिया, आई कैन सी यू बट यू जस्ट स्विच ऑन, आई मीन अनम्यूट. अच्छा, अनम्यूट हम ही को करना पड़ेगा, आई एम श्योर आप नहीं कर सकते. आई कैन गॉट इट. ओके रिया, क्या हाल चाल है आपका? गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. साथ पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रहा है? यस सर, बहुत अच्छा चल रहा है. एक्सेलेंट. आपका बायो है ना? यस सर. बायो रहते हुए आप फिजिक्स इतना सीरियसली कर रहे हैं, बिल्कुल सीरियसली करते चलिए. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब समझ में आया था आपको? यस सर, बहुत अच्छे से. एक्सेलेंट. माय गॉड, योर रिस्पांस इज सो ग्रेट दैट आई रियली फील टू मोटिवेटेड. देखिए आप जब समझते हैं तो हम मोटिवेटेड फील करते हैं. हमारा एनर्जी बच्चों में से ही आता है. चलिए और कुछ बच्चों से हम बात करते हैं. एक्सेलेंट, थैंक यू वेरी मच. थोड़ा सा और बच्चों से हम बात कर लें. एंड दैट पर्सन जागृति राय. जागृति राय हैज बीन ट्रेमेंडस. आई मस्ट टेल यू, जागृति राय जो है इसका जवाब नहीं है वो कितना. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जागृति. सो आई थिंक बहुत बढ़िया से पढ़ाई लिखाई चल रहा है आपका? यस सर. एक्सेलेंट एक्सेलेंट. आई एम रियली ग्लैड दैट यू एंजॉय योर स्टडीज ओवर हियर. खूब. देखिए लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना हमने पढ़ने दिया और ना हम पढ़ने देंगे. इनफैक्ट हमारा तो हमेशा से लाइफ में ना हमेशा से फिलोसफी रहा है टू टर्न यू नो एडवर्सिटीज इनटू अपॉर्चुनिटीज. जब भी कोई विपत्ति आए, this is for all of you. J
जब भी कोई विपत्ति आए, मतलब उल्टा कुछ दिख रहा हो रहा है, डोंट वरी, जस्ट टर्न इट इनटू थ्रू हार्ड वर्क एंड थ्रू यू नो अ लिटिल बिट ऑफ यू नो इमेजिनेशन, यू कैन कन्वर्ट ऑल दिस इनटू अपॉर्चुनिटी. अब देखिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी. क्लास में तो थोड़ा सा हंगामा भी होता था, लोग बात भी करते थे. हम लिपिका दास से भी बात करेंगे, डोंट वरी, राइट नाउ कमिंग बैक टू यू. इन द मीन टाइम जस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू जागृति राय. सो दीज आर No, great things are happening over here. सारे लोग क्लास में हैं, सारे लोग क्लास में हैं, बट क्लास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है और शांति से क्लास आपका चल रहा है. जब अगर कोई डाउट आपके आते हैं तो आप हमसे पूछ भी सक रहे हैं, तो एक्सलेंट एंड ग्रेट थिंग अबाउट इट ऑल. हम बात कर रहे थे जागृति से, बट जागृति, वेयर इज जागृति? जागृति इज हियर नाउ. आई एम म्यूटिंग जागृति एंड आई एम गोइंग टू हैव अ वर्ड विद यू नो लिपिका दास. She has been my favorite. She has been favorite, but recently, when you know what had happened, जब ये हुआ था ना डेंगू वाला प्रकोप चला था, during the dengue period, what had happened? She had dengue issues, and उसमें जो ये घर गई, and उसमें जो इसका पढ़ाई थोड़ा सा disturb हुआ, so ये तो disturb रहता चला गया. And I think now she has recovered all the issues, and अब थोड़ा थोड़ा समझने लगी होगी. बहुत अच्छा कर रही थी, आज के बारे में हम नहीं बता सकते हैं. बट हमको लगता है कि रेगुलरली चूंकि क्लास कर रही है तो जरूर समझ पा रही होगी. दीपिका तुमको बोलने का हमने मौका ही नहीं दिया, क्या हालचाल है? एकदम फैक्ट बताओ, सब समझ रहे हो आप? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. यू आर इन दुमका ना? यस सर. ओके ओके. तो बुक्स वगैरह है कि नहीं आपके पास? हाँ सर है. चलो चलो ठीक है. पापा ठीक है? आप रेगुलर अगर पढ़ाई करेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप जो है मतलब कोई कॉन्सेप्ट टफ नहीं होता है. आप अगर रेगुलर सीक्वेंस में, अब जैसे रोटेशन आपका चल रहा है, कोई भी अगर पिछला वाला यू नो कल या परसों वाला अगर कोई यू नो लेक्चर आपका छूट जाएगा तो जरूर है कि आज का आपको समझ में नहीं आएगा. तो आई थिंक बहुत सारी बातें हो गई, तो आई थिंक विल गेट टू समवन एल्स एज वेल. लेट मी हैव अ लाइक किससे और हमको बात करना है, हमको दीप लक्ष्मी से बात करना जरूरी है. दीप लक्ष्मी फ्रॉम सुपौल, राइट? ओके. देखो दीप लक्ष्मी, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका भी तो तबीयत बहुत खराब रहता है. आप तो जिस समय एडमिशन आपका हुआ था उसी समय ऐसा तबीयत खराब हुआ. आई वाज रियली स्केयर्ड कि ये बच्ची आई है एंड तीन दिन के अंदर ये हालत इसका हो गया. बट शी वाज, आई मीन आप जो है बहुत हिम्मत आपने रखा एंड थिंग्स हैव टर्नड आउट टू बी ग्रेट. तो इसी तरह से आप कैरी ऑन करिए. थैंक यू वेरी मच. और हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे. खुशी तो नहीं आई है ना? She is not there, I think. She is not there. Okay. चलिए तो अब हम लोग पढ़ाई लिखाई शुरू करें. बहुत बात हो गई. And इधर जो है आपको आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. एंड हम अब रिक्वेस्ट करेंगे सारे लोगों से कि सारे लोग जो है एक बार बात हम करना चाहेंगे किससे. इधर हमको लेट मी हैव अ वर्ड विथ just now I'm just looking at, let me have a word with one second please. Wait. बहुत लोगों से तो बात होती ही रहती है. इधर अनुराग कुमार, देखो अनुराग कुमार अच्छा खासा पढ़ाई करता है. तो अनुराग बोलो क्या हाल है अनुराग. हाँ अनुराग. Yes sir. Good morning sir. Good morning, good morning. तो पढ़ाई का चल रहा है ठीक से? Yes sir. चलिए इसी तरह से carry on करिए. थैंक यू, थैंक यू. अब ना हाँ एक चीज और सबको बता दें कि आपका ना हमने ये जो है YouTube पर भी लाइव कर दिया है. तो YouTube पर लाइव लिसन व्हाट, आपको सबको पता होगा जनरली जो आप लाइव क्लासेस देखते होंगे YouTube पर तो क्या होता है, सिर्फ आपको टीचर बोलते हुए नजर आएंगे. लेकिन हम आपको बता दें अभी जो हम लोग सारे लोग स्क्रीन पर हैं, ये सारे लोग आपको यूट्यूब लाइव पर नजर आएंगे क्योंकि ये इसके थ्रू जा रहा है. अच्छा दूसरा बात क्या होता है, यूट्यूब पर आपको जाने की जरूरत नहीं है. हाँ आपके रिलेटिव कोई है या कोई आपका जो मान लो फ्रेंड है जो कि इस क्लास में नहीं आ सकता है, इस क्लास में आपके फ्रेंड्स नहीं आ सकते हैं, इस क्लास में सिर्फ हमारे जो एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन है वही आ सकते हैं. लेकिन आपके फ्रेंड है जो आप चाहते हैं कि उनको बेनिफिट हो तो वो क्या कर सकते हैं, तो वो अपना यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं. एंड अभी जो आपका लाइव चल रहा है सारे लोग जो हम लोग हैं तो वहां पर वो नजर आएगा. तो ये और जितना भी बीच बीच में इंटरेक्शन है, डिस्कशन है हमारे आपके बीच में, वो सारे लोग देख रहे होते हैं. और आप लोग ना सारे लोग, माय रिक्वेस्ट इज कि
YouTube को ना अपना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन मात्र सारे लोगों ने नहीं किया है, तो ये अच्छा साइन नहीं है, आज ही कर लेंगे। एंड आप ना अपने फ्रेंड्स को जो एडमिटेड नहीं है तो उनको बोल सकते हैं कि क्लास वो मतलब अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं तो YouTube पर जाके अपना देख लें। अब दैट्स ऑल, तो हम लोग जो है आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि सारे लोग वीडियो ऑफ कर लें। वीडियो ऑफ करने के बाद जो है आई थिंक वी शुड स्टार्ट आवर स्टडीज। प्लीज ऑल ऑफ यू सारे लोग ऑफ कर लीजिए, प्लीज ऑल ऑफ यू प्लीज प्लीज स्विच ऑफ द वीडियो, वीडियो ऑफ कर लें एंड सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर स्टडीज। अनिमेश बंटी जी ऑफ कर लीजिए। ओके स्विची कुमारी ऑफ कर लो भैया, स्विची कुमारी ऑफ कर लो, स्विची कुमारी ऑफ कर लीजिए प्लीज। ओके स्विची कुमारी ऑफ करो, आप ऑफ करिए अपना वीडियो स्विची कुमारी। या आई थिंक ये आवाज किसका आ रहा है, लेट मी ओके वन सेकेंड। ओके I think now we can start our studies. Nandan aaya hai ki nahi, let me have a look at whether Nandan is there or not. Nandan is there or not, let me have a look at Nandan. Okay, Nandan is very much there. Fine. So, chalte hain hum log padhai likhai shuru karte hain. Dekhiye, aap na torque nikalna seekh gaye. Excellent. So now you know to find the torque. Fine. ये दुर्गा झा नहीं आ रही है, दुर्गा झा इज नॉट कमिंग। देखिए दुर्गा झा इज नॉट कमिंग, सो दिस इज नॉट गुड। ओके ओसामा अपना बंद करिए, वीडियो बंद करिए ओसामा। देखो टॉर्क लेना तुम सीख गए हो, लेकिन टॉर्क लेने में क्या करते हैं, फोर्स लेते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये कब लेंगे, कैसे लेंगे, किस पॉइंट के अबाउट लेंगे? देखिए किसी भी फोर्स का टॉर्क फिक्स्ड नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अब जैसे देखिए ये फोर्स है एंड ये सपोज है 10 न्यूटन, एक पॉइंट है ए, ये है 5 मीटर पर, एक पॉइंट है बी, ये है यहां से सपोज 10 मीटर पर। अब अगर हम आपसे पूछे फाइंड टॉर्क ऑफ एफ अबाउट ए एंड बी, देखिए फोर्स आपका सेम है, फोर्स आपका वही 10 न्यूटन है, लेकिन आपको क्या पूछा गया है, एक बार टॉर्क पूछा गया है ए के अबाउट, दूसरे बार टॉर्क पूछा गया है बी के अबाउट। तो टॉर्क अबाउट ए हो जाएगा, फोर्स हो गया 10 एंड उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से है आपका 5, तो ये हो गया 50 न्यूटन मीटर। लेकिन वही टॉर्क अबाउट बी अगर बात करें तो टॉर्क अबाउट बी में आपका आ जाएगा, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने में झमेला नहीं था, जानबूझ के हमने सिंपल सा सिचुएशन दिया था आपको। वेल तो ये हो जाएगा 10 इनटू ये डिस्टेंस है 10 इक्वल टू हो गया 100 न्यूटन मीटर। सो देखिए तो सेम फोर्स का, फोर्स आपका वही है बट टॉर्क जो है
अलग अलग हो गया. इनफैक्ट आपको बता दें एक चीज और, ये तो ए बी हो गया, एंड अगर ओ टॉक अबाउट ओ ले ले, देखिए क्या क्या हमने पहले टॉक अबाउट ए निकाला, ये डिस्टेंस लिया, टॉक अबाउट बी लिया तो ये वाला डिस्टेंस लिया, लेकिन टॉक अबाउट ओ अगर लीजिएगा तो कोई डिस्टेंस नहीं है, मतलब आपका जो फोर्स है वहीं से पास कर रहा है. तो टॉक अबाउट ओ विल बी, या तो आप सीधे जीरो लिख दो. कैसे जीरो लिख दो? आप बोलोगे चूंकि फोर्स वहीं से पास कर रहा है, इसके लिए ना फिजिक्स में टर्म है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम उतना टर्मिनोलॉजी पर ध्यान नहीं देते हैं, हम बेसिक समझना है फोर्स ओ से ही पास करता है, कर रहा है इस केस में, तो सीधे टॉर्क जीरो हो गया. या अगर आप चाहते कि मैथमेटिक्स से करें तो मैथमेटिक्स से करेंगे, तो ये 10 into, चलो फोर्स हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है जीरो क्योंकि वही से पास कर रहा है, विल बी जीरो. तो देखिए एक ही फोर्स है आपका 10 न्यूटन, लेकिन उसका टॉर्क अलग अलग पॉइंट के अबाउट अलग अलग हुआ, अलग अलग हुआ. तो इसको आप लिखें, एंड आई एम जस्ट गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम प्लीज. तो क्या कहना चाह रहे थे हम कि टॉर्क जो है आपका सेम फोर्स के लिए अलग अलग हो सकता है. नाउ अब देखना इसका क्या सब इंप्लीकेशंस है, इसको मिटाते हैं हम, एकदम धीरे धीरे हम लोगों को सीखना है. एंड आज का क्लास देखो ना कितना सिंपल कॉन्सेप्ट से शुरू हमने किया है, बट ये कहां ले जाएगा यू विल रियलाइज जस्ट विद इन 30 to 40 minutes, यू विल कम टू नो. आप लोग लेट नहीं आया करिए, दिस इज माई स्पेशल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, पहले आ जाया करिए जैसा हमने रिक्वेस्ट किया है, 10 मिनट पहले आएंगे तो क्लास आपका ज्यादा इफेक्टिवली चलता है. Let's see now what is in store. और जैसे देखो धीरे धीरे ले चलेंगे आपको जहां ले चलना है. अब जैसे देखो ये आपका सपोज 100 न्यूटन फोर्स है, ये है ओ सेंटर, यहां पर रखा हुआ ये ओ एंड ये है ए, और आपको जो है नेचुरली रेडियस दिया हुआ है 5 meters. टॉर्क निकालना है ओ के अबाउट, टॉर्क निकालना है ए के अबाउट, सिंपल सा बात है. टॉर्क अबाउट ओ, टॉर्क अबाउट ओ में हो जाएगा ये डिस्टेंस, यानी 100 इनटू ये डिस्टेंस है कितना रेडियस के बराबर, 5 इक्वल टू हो गया 500 न्यूटन मीटर. टॉर्क अबाउट ए, टॉर्क अबाउट ए ये टोटल डिस्टेंस, सो यानी 100 इनटू टोटल डिस्टेंस हो गया आपका ये वाला, यहां से यहां डायमीटर यानी उसका डबल, तो यू गेट 10 इक्वल टू 1000 न्यूटन मीटर. अभी तो बहुत आसान लगा, बिल्कुल आसान है, इतना ग्रेजुअली चलेंगे कि आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कहां पर टफ हो गया. लोग अननेसेसरली टफ बोलते हैं, टफ कुछ भी नहीं है अगर आप सिस्टमैटिकली एंड इन सीक्वेंस अगर आप प्रोसीड करते हैं तो. तो ये आप टॉर्क निकाल ले रहे हैं, इसके क्या सब, तो अलग अलग पॉइंट के अबाउट टॉर्क अलग अलग होता है. एक और चीज, जहां से फोर्स पास करता है, जहां से फोर्स पास करता है उसके अबाउट टॉर्क जीरो होता है उस फोर्स का. ये जो कॉन्सेप्ट है और ये जो मतलब फीचर है कि जिस पॉइंट से फोर्स पास कर रहा है उसके अबाउट टॉर्क जीरो होता है, तो ये बहुत यूजफुल है. देखो कैसे चलते हैं हम लोग, इसको भी फिर मिटा रहे हैं एंड आगे बढ़ रहे हैं. जल्दी लिख लें आप, जल्दी लिखें, एंड एक प्रॉब्लम हम लिखने जा रहे हैं. और जैसे देखो
ये कोई दीवार है, ये आपका ग्राउंड है, ये आपका सीढ़ी है, सीढ़ी लैडर, और वैसे तो हम फ्रिक्शन भी ले सकते हैं लेकिन अभी कोई फ्रिक्शन नहीं ले रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग एनी फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन, ये एग्जांपल है आपका नो फ्रिक्शन। इस प्रॉब्लम पर हम जाएंगे लेकिन उससे पहले एक बात बता दें, आप देखिए हमने जो लिखा है हेडलाइन में रोटेशन, टॉपिक का नाम रोटेशन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज का मतलब हो गया कि ना लीनियरली मूव करना उसको और ना उसमें रोटेशन होना है। कहने का मतलब लीनियर इक्विलिब्रियम भी हो एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो। लीनियर इक्विलिब्रियम तब होगा जब टोटल फोर्स जीरो होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम तब होगा जब टोटल टॉर्क जीरो होगा। कहने का मतलब अगर आपको ये कहा जाए कि अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, दैट ऑटोमेटिकली मींस टोटल फोर्स विल बी जीरो एंड टोटल टॉर्क विल बी जीरो। ये टोटल फोर्स जीरो का क्या मतलब हुआ? बायां वाला फोर्स इक्वल टू दायां वाला, ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला। टोटल फोर्स इक्वल टू जीरो का मतलब हुआ बायां वाला फोर्स इक्वल टू दायां वाला, देखेंगे हम लोग ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला। टोटल टॉर्क जीरो का मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो ये तीन इक्वेशंस जनरली आपको बन सकता है, तीन इक्वेशंस जनरली बन सकते हैं, यानी तीन अननोन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं, सीधे चलते हैं प्रॉब्लम पर। तो प्रॉब्लम पर अगर चलेंगे और कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये रॉड है मतलब ये आपका जो लैडर है इसका मास एम है जो, और इसका लेंथ हो गया आपको, इसका लेंथ हो गया एल, ये यहां से इसका वेट काम करेगा। सारा फोर्स दिखा दीजिए, तो सारा फोर्स जो दिखाइएगा, देखिए ये एल दिखाने से कोई फायदा नहीं है, लेंथ यहां पर लिख देते हैं, लेंथ हो गया इसका एल एंड मास हो गया एम, वेट इसका काम करेगा सेंटर से एम जी। अब देखो सारा फोर्स और दिखाना है, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इधर हो गया, इसको आर वन बोल देते हैं, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ होगा, इसको आप आर टू बोल दीजिए। और आप देखिए फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है फ्रिक्शन नहीं है कहीं भी, फ्रिक्शन इसलिए हमने नहीं डाला कि पहले क्वेश्चन है तो यू शुड हैव द कंफर्ट, अननेसेसरीली ज्यादा से ज्यादा डाल देने से कोई फायदा नहीं है, होता है। तो आप देखिएगा ना अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो ये लैडर आपका फिसल जाएगा, तो लैडर फिसल जाएगा तो एक आदमी क्या कर रहा है, आप व्हेनेवर दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, जब भी आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो आप अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि नीचे से पकड़ के रखना। तो सपोज कोई आदमी अगर ऐसे छोड़ दीजिएगा ना, ये जरूर फिसल जाएगा आपका, इस तरफ फिसल जाएगा, नहीं फिसले इसके लिए आप क्या कर रहे हैं कि एक फोर्स आप यहां पर लगा रहे हैं, नॉर्मली अपना पैर से लगाते हैं, फ्रेंड आपका क्या करता है पैर से लगाता है फोर्स। तो मान लो कि ये एफ कैपिटल एफ आपका लग रहा है इस, और अब क्या है, तो ये सारे फोर्स हो गए, ये वेट हो गया बिल्कुल मिडिल से, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन एंड फिसले नहीं इसलिए ये हो गया। तो क्या क्या इक्वेशंस बन सकते हैं ये हम लोग थोड़ा सा अगर देखें, क्या क्या इक्वेशन बनाया जा सकता है, तो कैसे कैसे बनाएंगे, लेट अस सी। देखिए ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला, आपको क्या सब होना है, सारे फोर्स जीरो होने हैं एंड सारे टॉर्क जीरो होने हैं। सारे फोर्स जीरो के लिए ऐसे लिखा जाता है, इससे घबराना नहीं, सारा फोर्स जीरो, सारा फोर्स जीरो का मतलब हो गया ऊपर वाला फोर्स कितना है, ऊपर वाला देखो तो ऊपर वाला है आपका आर वन, तो आर वन इज इक्वल टू एम जी, ये इक्वेशन नंबर वन। बाया इक्वल टू दाया, लेफ्ट वाला फोर्स है कैपिटल एफ, एफ इक्वल टू आर टू, इक्वेशन नंबर टू हो गया। दूसरा बात क्या होना है, नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो, इसका मतलब हुआ टॉर्क एंटी, आप समझते होंगे ए के जब लिखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क
AK equal to torque CK. अब यहां पर चक्कर क्या है बताते हैं. Listen, here is the key. Here is the key. Anti-clockwise torque equal to clockwise torque. और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान से सुनना. यहीं पर मोस्टली लोग दिक्कत में पड़ते हैं, या आपको हंसी आएगा, खासकर हमें तो हंसी आता है जब देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व करता है. टॉर्क तो अलग अलग पॉइंट के अबाउट अलग अलग होता है. यहां पर सिर्फ क्या है, आपको रिक्वायरमेंट क्या है ना कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क. ठीक है, किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेंगे आप? मेरा सजेशन है और अभी हम आपको दिखाएंगे भी, टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट लेंगे. ये प्रॉब्लम वाला नहीं बोला है, सिर्फ टॉर्क जीरो होना है. लेकिन टॉर्क हम अब ऐसे पॉइंट के अबाउट लेंगे जहां से हमको निकालने में आसानी हो, कैलकुलेट करने में आसानी हो. जब हमको टॉर्क ही लेना है एंड टॉर्क को जीरो करना है, हम ऐसे पॉइंट के अबाउट लेंगे. देखिए अब आ जाइए, थोड़ा सा बात करने के बेहतर होगा. अगर आप सेंटर के अबाउट टॉर्क लेते हैं, मतलब ये मिडिल पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेते हैं, यहां से कौन पास कर रहा है? एमजी पास कर रहा है. सुनना, अब एक एक चीज आपको सुनना है. जब आप टॉर्क ले रहे हैं और अगर आपका चॉइस होता है कि हम इसके अबाउट टॉर्क लें, तो ठीक है एमजी का टॉर्क होगा. आप अपना वीडियो ऑफ करें. जब आप ना सेंटर के अबाउट टॉर्क लेते हैं, एमजी का जीरो होगा. लेकिन किसका किसका हो जाएगा टॉर्क? आर टू का होगा, आर वन का होगा, एफ का होगा, क्योंकि वो यहां से सिर्फ एमजी पास कर रहा है. तो देखिए इस केस में ज्यादा से ज्यादा फोर्स का टॉर्क हो गया. मतलब अगर आप टॉर्क इसके अबाउट लेते हैं, मिडिल पॉइंट के अबाउट लेते हैं, अगर टॉर्क आप मिडिल पॉइंट के अबाउट लेते हैं, आर टू का भी होगा, आर वन का भी होगा, एफ का भी होगा, सिर्फ एमजी का नहीं हुआ. कर सकते हैं आप, करके दिखाएंगे आपको. लेकिन अगर टॉर्क आप इस पॉइंट के अबाउट लेते हैं, तो आपको बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा. क्या फायदा हो जाएगा? यहां से कौन कौन पास कर रहा है? आर वन पास कर रहा है, एफ पास कर रहा है. तो आर वन का भी टॉर्क नहीं होगा, एफ का भी टॉर्क नहीं होगा, आर वन का भी टॉर्क नहीं होगा, एफ का भी टॉर्क नहीं होगा, सिर्फ किसका होगा? एमजी का और आर टू का. यानी दिस इज द बेस्ट पॉइंट अबाउट विच वी शुड टेक द टॉर्क. टॉर्क लेने में रिमेंबर, फिर एक बार रिपीट कर दें, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क आप ले सकते हैं. लेकिन हम ऐसा पॉइंट चूज करेंगे जहां से ज्यादा फोर्स पास करे. तो ज्यादा से ज्यादा फोर्स अगर वहां से पास किया तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा फोर्स का टॉर्क जीरो हो गया. तो आपका वर्कलोड जो है काम करने का जो अमाउंट है वो घट गया. आपको फटाफट छोटा सा इक्वेशन आएगा. अगर आप यहां इसके अबाउट टॉर्क ले लेते हैं, तो देखिए किसका सबसे पहले किसका टॉर्क जीरो होगा? आर टू का जीरो होगा. लेकिन किसका किसका टॉर्क हो जाएगा? mg का भी हो जाएगा, f का भी होगा, r1 का भी होगा. प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आंसर वही आएंगे. आपको दिखाएंगे आज का क्लास में बड़ा बड़ा यही सब चीज दिखाएंगे आपको. एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अननेसेसरीली यू कैनॉट गो ऑन टू बिगर प्रॉब्लम्स. बिगर प्रॉब्लम्स आर बेसिकली नथिंग. बिगर प्रॉब्लम्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स. सो इफ यू हैव ग्रिप ओवर दीज स्मॉल कॉन्सेप्ट, bigger problem has nothing to trouble you. That's the point. So overall and finally, which point should be our choice? This point should be our choice. Bahut sara cheez dikhayenge, to thoda sa naam de de hum. Agar ye de de A, ye O and ye B de de, our natural choice would be taking torque अबाउट बी. इसमें फायदा होगा. अब आ जाइए टेकिंग टॉर्क अबाउट बी. टेकिंग टॉर्क अबाउट बी लेंगे ना, ये रख दीजिए. आपको किसका किसका नहीं होगा? एफ का नहीं होगा, आर वन का नहीं होगा ना. थोड़ा सा देखो, एक एंगल का हमको जरूरत है, जो कि मान लो ये बुक आपको दे रखा है. सपोज ये 53 डिग्री दे रखा है, बुक दिया रहता है 53 डिग्री एंगल दे रखा है. तो भाई बताइए, थोड़ा सा डिस्टेंस वगैरह निकाल ले हम. ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा L बटे 2 cos 53 डिग्री.
cos 53, बताइए क्यों? ये डिस्टेंस क्यों? क्योंकि ये आपका कितना है, this one is L बटे 2, ये पूरा है L, this one is L बटे 2, L बटे 2 cos 53. Similarly, ये डिस्टेंस कितना होगा इस बड़े ट्रायंगल में, इस बड़े ट्रायंगल में देखिए, ये कंप्लीट डिस्टेंस है L, तो ये हो जाएगा आपका, ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस हो जाएगा L साइन 53. इसको अगर वैल्यू लिखते हैं तो L बटे 2 इंटू कॉस 53 इज 3 बटे 5, यानी 3 L बटे 10. यहां पर हो गया आपका इक्वल टू L 4 बटे 5. सो दीज आर द डिस्टेंस दैट आई डिनोटेड. अब आ जाइए यहां पर थोड़ा सा, अब टॉक लीजिए, टेकिंग टॉक अबाउट बी, बी के अबाउट टॉक लेना है, किसका किसका होगा टॉक? होगा आर टू का और एम जी का. आर टू का अगर टॉक लीजिएगा, ये ध्यान दीजिए, आप इसके अबाउट ले रहे हैं टॉक, रिमेंबर आप इसके अबाउट टॉक ले रहे हैं, एंड आर टू का होगा ये डिस्टेंस चाहिए आपको, यू रिक्वायर दिस डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस, यानी हो जाएगा आपको R2 into 4L बटे 5. ये कौन सा टॉर्क है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, थोड़ा सा देख लें, किसके अबाउट ले रहे हैं आप, इसके अबाउट ले रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, एंड आर टू आपको ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो ये आपका हो गया क्लॉकवाइज. आप बगल में लिख सकते हैं सी के. सो दिस वॉज इक्वल टू, आ जाइए अब एम जी का टॉर्क, mg multiplied by ये distance, which is 3l बटे 10, mg into 3l बटे 10, और ये देखिए कौन सा टॉर्क है, ये देखो mg आपको किधर घुमाना है, like this, this is anti clockwise, ak, तो देखो कितना आसानी हुआ, this is equation number आपका 3, equation बना दिया, calculate आप कर लेंगे, ये बहुत बड़ा चीज नहीं है. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 इलस्ट्रेट करना था, अब जो निकालने का होगा आप निकाल लेंगे, इसको आप लिख लें, फिर इससे आगे हम प्रॉब्लम देंगे, इससे आगे वाला प्रॉब्लम इससे थोड़ा सा और सिंपल होगा. अब जल्दबाजी में लिखें और फिर आगे बढ़ते हैं. और जो की थिंग था, जो हमने सबसे बड़ा बात बताया, वो ये था कि टॉर्क आप किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं. हम डिलिबरेटली ऐसा पॉइंट चूज करेंगे जहां से ज्यादा फोर्स पास करें, जिससे कि ज्यादा मेहनत ना हो, कम मेहनत हो. अब जल्दी लिखें, So, अगला प्रॉब्लम और आपको अच्छा लगेगा. देखिए जो हमने कहा है, जो हमारा थ्रस्ट है, थ्रस्ट हमारा थ्रस्ट क्या है,
हमारा एम्फेसिस किस बात पर है, क्या हम कहना चाह रहे हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं कि अपना टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट लीजिएगा तो आंसर आपके सेम आएंगे, बट डिलीबरेटली वी मेक अ चॉइस ऑफ सच अ पॉइंट दैट वहां से ज्यादा फोर्स पास करे। ज्यादा से ज्यादा फोर्स जब पास करेगा तो उन सारे फोर्सेस का टॉर्क आपको जीरो होगा, एंड उन सारे फोर्सेस का जब टॉर्क जीरो होगा तो आपका वर्क लोड घट जाएगा। अभी देखिए ना, अभी हम आपको एक प्रॉब्लम बताते हैं, उसके बाद आई गेट टू अ फ्यू मोर थिंग्स। ये देखिए, ये रूफ है, इस रूफ में आपने ये रॉड को हैंग कर दिया है, ये रॉड का लेंथ है एल, एंड हॉरिजॉन्टल रॉड है, मास ऑफ रॉड एम है, अब 4m मास इज हैंगिंग एज इंडिकेटेड, फाइंड फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। बड़ा ही मजा आएगा, और आपको बोल रहा है क्या कि रॉड का मास m है तो वो कहां से काम करेगा, उसका सेंटर यहां है, दिस विल बी योर mg। ये रॉड का मास, रॉड का वेट हो गया, रॉड है तो रॉड जैसा दिखा दो थोड़ा, ये रॉड जैसा अब दिख रहा है ठीक ठाक, ये रॉड आपका था। अब फिर बोल रहा है कि एक 4m भी है, 4m सपोज यहाँ पर, इन प्रॉब्लम खुद बोल रहा है 4m यहाँ पर हैंग कर रहा है, 4m आपका यहाँ पर है, तो ये हो गया आपका 4mg, एंड दिस डिस्टेंस हैज बीन गिवन l बटे 4। इसमें टेंशन T1, इसमें टेंशन T2, ये है प्रॉब्लम। आपको निकालना है T1 कितना होगा एंड T2 कितना होगा, ये निकालना है। पहले देखो आपके अननोन कितने हैं, आपके अननोन है 2। कितने क्वेश्चन चाहिए आपके, क्वेश्चन चाहिए 2। पॉइंट मार्क कर दो, ए बी सी और डी। इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे बड़े ही मजेदार तरीके से, क्या है मेरा कहना, तो फिर हम आपसे बात कर लें। क्या है हमारा कहना, हमारा कहना है स्विच ऑफ करें प्लीज, वीडियो ऑफ करें काइंडली, वीडियो ऑफ कर लें kindly, वीडियो ऑफ कर लीजिए, वीडियो ऑफ। सो देखिए, T1 एंड T2 आपको चाहिए, आपको तीन मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं, तीनों से आंसर आपके सेम आएंगे। पहले वाले में टेकिंग टॉर्क अबाउट ए, इसमें लेंगे टॉर्क अबाउट बी, इसमें लेंगे टॉर्क अबाउट सी। अगर टॉर्क अबाउट ए लेके भी, टॉर्क अबाउट बी लेके भी, टॉर्क अबाउट सी लेके भी अगर हमारे आंसर सेम आते हैं तो क्या होगा जानते हैं, यू विल फील कॉन्फिडेंट एंड यू विल फील कंफर्टेबल दैट किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आपके सेम आते हैं। जैसे देखिए, पहली बात तो ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला, ऊपर वाला फोर्स कितना है बताओ, ऊपर वाला फोर्स है
T1 plus T2 equal to नीचे वाला फोर्स 4mg plus mg यानी T1 plus T2 equal to 5mg ये हो गया इक्वेशन नंबर वन. अब देखिए यहां पर आपको निकालना है T1 और T2. T1 plus T2 equal to 5mg आया. इस इक्वेशन से अकेले इस इक्वेशन से T1 और T2 नहीं निकलेगा. यू नीड सपोर्ट ऑफ अनदर इक्वेशन. दूसरा बात क्या किया हमने, ऊपर वाला नीचे वाला इक्वल किया. यहाँ पर बाया दाया कोई फोर्स नहीं है, अगर रहता तो उसको भी इक्वल करते. बाया वाला फोर्स बाया वाला फोर्स इक्वल टू दाया वाला फोर्स ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो इक्वेशन बनाने की जरूरत है तो ऊपर वाला इक्वल टू नीचे वाला किया और इस इक्वेशन से अकेले आपका आंसर नहीं आएगा. तो क्या करें हम लोग, देन विल गो ऑन टू मदर लेंगे टॉर्क का. रिमेंबर एक गलतफहमी में नहीं रहना. क्या तरीका सीखो, जनरली आप जानते हैं मैथमेटिक्स पढ़े या फिजिक्स पढ़े, आपका सबसे बड़ा संपत्ति होता है, एसेट होता है इक्वेशन. अगर व्हेन यू हैव इक्वेशन ना, यू आर एबल टू सॉल्व द अननोन. तो यहां से एक इक्वेशन बन गया. उसके बाद आपको एक गलतफहमी होगा कि यू मे आर्ग्यू लाइक दिस कि सर हम तो एक अबाउट एक टॉर्क लेके एक इक्वेशन बना लेंगे, बी के अबाउट टॉर्क लेके दूसरा इक्वेशन बना लेंगे, सी के अबाउट टॉर्क लेके तीसरा इक्वेशन बना लेंगे, यानी एक इक्वेशन दो इक्वेशन तीन इक्वेशन और ये चौथा इक्वेशन, मतलब चार इक्वेशन आपके पास और चार अननोन सॉल्व कर देंगे. गलत फहमी में नहीं रहना. Please wait.
I think what had happened, let me tell you, internet had gone from in my broadband, so I had to connect this one, mobile internet. That's why we got into a bit of difficulty. Otherwise, there's not much of a problem. I think हमको लगता है कि थोड़ा सा एक बार और लोगों से सारे लोगों से बात कर ले एक बार बात कर ले हैं अमन फातिमा से. अमन आप अमन फातिमा जी आप अपना वीडियो थोड़ा सा ऑन कर लीजिए. अमन फातिमा just switch on your video and let me have a word with you. अमन फातिमा yeah great. So अमन फातिमा जी क्या हाल है आपका भी इंटरनेट स्लो है आपका भी इंटरनेट स्लो है. सो आई एम अमन फातिमा जी आपका गुड मॉर्निंग हाँ हाउ आर यू आई एम गुड ओके एक्सेलेंट. चलिए तो थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है इसलिए और मेरा भी इंटरनेट में प्रॉब्लम आ गया था ये बारिश वगैरह जो आंधी वगैरह की वजह से. रेगुलर क्लास करिए फायदा होगा. यस सर ओके थैंक यू वेरी मच थैंक यू यस सर थैंक यू. एंड अब थोड़ा सा नंदन से बात कर लें और आप अपना वीडियो ऑफ कर. एक्सेलेंट नंदन से बात कर लें. देखो नंदन. यस सर गुड मॉर्निंग सर. हाँ आप अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिएगा. वीडियो नहीं दिखेगा अंधेरा है. अरे तो थोड़ा भी तो दिखेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो क्या हम कहना चाहते हैं यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो हमारा क्या कहना है. हमारा कहना है ना कि टॉर्क आप किसी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं. यस सर अलग अलग आंसर दिखेगा बट थिंग इज अलग अलग आंसर आपको दिखेंगे अलग अलग यू नो अलग अलग इक्वेशन दिखेगा लेकिन आंसर आपके सेम आएंगे. वही चीज अभी हम दिखाने वाले हैं तो आपको दिखाएं इससे पहले यू नो बात करें इससे पहले थोड़ा सा और दिखाई देते हैं जिससे कि बेहतर होगा. तो लेट्स गेट टू फर्दर थिंग्स. तो ये T1 plus T2 equal to 4 mg टॉर्क लेना हम लोगों को टॉर्क लेना है अबाउट ए. चलो अबाउट ए जब टॉर्क लोगे तो किसका 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 टॉर्क हो जाएगा. इस सबसे पहले तो टॉर्क अबाउट ए लोगे ना तो T1 का टॉर्क नहीं होगा क्योंकि T1 यहीं से पास कर रहा है. तो टॉर्क किसका किसका होगा 4 mg का होगा mg का होगा एंड T2 का होगा. ध्यान दो थोड़ा सा 4 mg वाला इधर घुमा रहा है मेरा हाथ देख रहा है mg वाला भी इधर घुमा रहा है यानी 4 mg वाला का क्लॉकवाइज mg वाले का भी क्लॉकवाइज आपका इसके बाद टॉर्क ले रहे हैं. तो 4 mg वाले का जो टॉर्क है ये हो जाएगा 4 mg * डिस्टेंस कौन सा है डिस्टेंस है आपका l / 4 ये डिस्टेंस है l / 4 प्लस mg का भी उधर ही है सारा क्लॉकवाइज वाला इकट्ठा कर रहे हैं इसका क्लॉकवाइज इसका भी क्लॉकवाइज प्लस mg * कितना mg * ये दूरी है आपका l / 2 चलिए l / 2 इक्वल टू अब हमको लेना है t2 का t2 इधर है t2 * कितना t2 * l और ये टॉर्क किधर है ये टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है यानी अब यहां से देखिए एक ही बार में आपका t2 का वैल्यू आ गया. इस इक्वेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है एक ही बार में t2 आ गया अगर आप निकालिएगा तो कितना आ रहा है आप देखो तो आपका t2 आ रहा है आपका t2 कितना आ रहा है बताओ जल्दी से. ये mg l हो गया ll कैंसिल हो जाएगा ये आ रहा है t2 का वैल्यू 1.5 mg. देखो एक आंसर हमको t2 तुरंत आ गया 1.5 एक ही बार में टॉर्क लिया और t2 मेरा आ गया एंड T1 हो जाएगा यहां से T1 हो जाएगा घटा दोगे 3.5 mg. तो थोड़ा सा और बात करें क्योंकि सेंसिटिव मामला है और अंकेश किरण से हम बात करेंगे. बहुत दिनों से हमने बात नहीं किया अंकेश किरण से. अंकेश किरण ध्यान दो थोड़ा और आप अपना वीडियो भी ऑन कर लो. अंकेश गुड मॉर्निंग. अंकेश क्या है ना कि बार बार हम बताते आ रहे हैं और मेरा कहना क्या है देखा होगा कि कितना बार हम बात करें टॉर्क तो आप किसी पॉइंट के अबाउट ले सकते हो लेकिन हम ना चूज करते हैं कि किसके अबाउट लेना है और ऐसा पॉइंट चूज करते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अननोन पास करे मतलब ज्यादा से ज्यादा फोर्स पास करेगा तो उसका सबका मोस्टली का टॉर्क जीरो होगा. यहां देखिए
यहाँ पर हमने टॉल किया था इस पर्टिकुलर में ए के अबाउट, तो ए के अबाउट आपका 4 mg का इधर हुआ, mg का भी इधर हुआ, इधर मतलब क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंड T2 का टॉर्क ऐसा, T2 का टॉर्क ऐसा यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो सारा क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ये वाला क्लॉकवाइज ये वाला ऐड कर दिए, इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज कर दिए, एंड यहाँ से अच्छा ये जो T2 है 1.5 mg सही है कि नहीं है कैलकुलेशन के बाद? यस सर, निकाला था? यस, देखो तो ये 4 कट गया, mgl बचा, और ये 0.5 mg है तो ये 1.5 ll कट जाएगा, एंड तो T2 का वैल्यू 1.5 mg, और यहां से घटा के 3.5 mg। एक्सेलेंट, तो यहां देखिए आपने आंसर निकाल लिया। yes. आप देखो क्या करना है, टॉर्क अबाउट बी लेना है, टॉर्क अबाउट बी लेना, आप लाइन पर ही रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉर्क अबाउट बी अगर लेंगे, टॉर्क अबाउट बी लेंगे, टॉर्क अबाउट बी मेहनत बढ़ जाएगा, देखो क्या होगा। देखो टॉर्क अबाउट ए में हम कंफर्टेबल थे, अच्छा चलो तुमको पढ़ने में दिक्कत आएगा, अंकेश किरण तुमको पढ़ने में दिक्कत आएगा, तुम अपना वीडियो ऑफ कर लो। ओके, देखो क्या है, टॉर्क अबाउट ए लेके आंसर फटाफट आ गया, क्यों? क्योंकि ए से क्या पास कर रहा था, ध्यान दो, ए से पास कर रहा था एक अननोन T1, और उसका टॉर्क क्या हो गया? 0। तो यहाँ इसके अबाउट आंसर हमको इजीली मिल गया। चलिए अगर इसके अबाउट चले हम टॉर्क अबाउट बी, तो टॉर्क अबाउट बी में चलोगे तो किसका टॉर्क होगा? टॉर्क अबाउट बी में इसका टॉर्क नहीं होगा, 4 mg का नहीं होगा, लेकिन T1 का होगा, mg का होगा, एंड T2 का होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, T1 का टॉर्क किधर होगा? अब बी के अबाउट ले रहे हैं, बी के अबाउट टॉर्क हो गए, तो T1 का टॉर्क ऐसा होगा यानी क्लॉकवाइज, तो T1 इंटू कितना? T1 इंटू दिस वन, बी के अबाउट ले रहे हैं, T1 इंटू आप ले रहे हैं ये डिस्टेंस L/4, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, बाकी इसका तो 0 ही होगा, इसका हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो कोई क्लॉकवाइज नहीं है, इसके अबाउट क्लॉकवाइज वाला सिर्फ T1 ही था, बाकी mg जो है ओ देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, देखिए देखिए देखिए, इसका क्लॉकवाइज, इसका एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन फिर mg का क्लॉकवाइज है, ठीक से देखो, तो यहां पर ऐड होगा क्लॉकवाइज वाला, हम इधर ले रहे थे mg इंटू कितना, mg इंटू L/4, देखो क्यों हमने इकट्ठा किया, ये दोनों को क्यों ऐड किया, ये दोनों क्लॉकवाइज है, देखो कैसे, इसका भी क्लॉकवाइज है, इसका भी क्लॉकवाइज ऐड किया, इक्वल टू T2 का आपका एंटी क्लॉकवाइज है, T2 इंटू कितना T2, ये डिस्टेंस कितना है आपका? 3L/4, ये क्या दे रहा है आपको? ये दे रहा है T1/4 प्लस mg/4 इक्वल टू 3T2/4, 4 कट गया, यू हैव T1 - 3T2 इक्वल टू mg। कहने का मतलब ये जो है ना, डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, एक इक्वेशन दिया, अब आपको निकालना है इसके और इसके मदद से, एड यू नो क्या करोगे, घटा दोगे इसको, इसको अगर सॉल्व करोगे तो घटाओगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए तो हम लोग आंसर सही है या नहीं, यहां पर लेट अस सी दिस वन, थोड़ा सा रुको, इस पोर्शन को मिटा रहे हैं क्योंकि हमको स्पेस का कमी हो रहा है, जिस वजह से कि कैलकुलेशंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आने का डर है। हम लोग यहां पर स्पेस बी वाला टॉर्क अबाउट बी को थोड़ा सा एक बार फिर से करते हैं, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आया है। टॉर्क अबाउट बी जब लेंगे आप, टॉर्क अबाउट बी तो एक हो गया T1 इंटू L/4 प्लस mg इंटू L/4 इक्वल टू T2 इंटू 3L/4, यहां पर हो गया T1
T1/4 plus Mg/4 equal to 3T2/4. और फोर कट किया T1 plus Mg. ये यहाँ पर अननेसेसरी, ये यहाँ पर प्रॉब्लम आई थी, वो माइनस नहीं लिखना चाहिए था, प्लस लिखना चाहिए था. T1 plus Mg equal to 3T2. ठीक है. और अब अगर माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? इसको अगर आप इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ये भी आपका 3 हो गया, तो आपका इक्वेशन 3 सही है या गलत है देख लो. तो T1 प्लस Mg, सॉरी, ये तो माइनस, नहीं ये ठीक है, ठीक ही था. T1 माइनस 3T2 इक्वल टू आपका माइनस Mg. नाउ इट इज ओके. ये देखिए ये ठीक है. एंड अब अगर आप इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करें, तो आपका T1 आ जाएगा 3.5 Mg एंड T2 आ जाएंगे 1.5 Mg. देखो क्या सब हुआ, जैसे ही आपने पॉइंट बी के अबाउट टॉक लिया, प्रोसेस लंबा हो गया. इनफैक्ट सिचुएशन यहां तक पहुंचेगा कि मिस्टेक्स भी होने लगे आपसे, हमसे, लेकिन आंसर आपका सेम आया. टॉक अबाउट अगर सी लेंगे तब भी लंबा हो जाएगा, लेकिन आंसर सेम आएंगे. टॉक अबाउट डी लेंगे तो आंसर सही होगा, जल्दी होगा. टॉक अबाउट डी, में फिर क्या होगा? T2 का टॉर्क नहीं होगा, एक ही बार में T1 निकल जाएगा. तो इसको लिख लीजिए, फिर हम थोड़ा सा सीक्वेंस टूटा था, इस वजह से हम जो कहना चाहते हैं अगला प्रॉब्लम में बिल्कुल फाइनल आप समझ जाएंगे. तो प्लीज वेट फॉर द फर्दर प्रॉब्लम, द नेक्स्ट प्रॉब्लम. जितना लिखना था आप लिखें, फिर हम आपसे बात करते हैं. आई थिंक आई शुड रब इट ऑफ so that I go to another problem. देखिए हम कुछ कहना चाहते हैं, एंड आई एम नॉट श्योर दैट आई हैव बीन एबल, आई मीन यू पीपल हैव गॉट दिस मैसेज थ्रू, दैट आई एम नॉट श्योर. दैट्स व्हाई अगेन आई एम रिपीटिंग इट. And what I'm repeating is कि टॉर्क आप हमेशा ऐसे पॉइंट के अबाउट लीजिए, जहां से कि ज्यादा से ज्यादा फोर्स पास करें. और जहां से अननोन पास करें, जैसे देखना ये वाला प्रॉब्लम और बढ़िया से आपको मिलेगा. ये थोड़ा सा सिंपल दे रहे, मान लो इसमें टेंशन T1 है, इसमें टेंशन T2 है, एंड ये रॉड का मास Mg है, उससे भी सिंपल दे रहे आपको. T1 क्या होगा, T2 क्या होगा, देखो ये डिस्टेंस हो गया L/2, दिस डिस्टेंस इज आल्सो L/2, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी. इसे पिछला वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था 4 Mg देने की वजह से, ये प्रॉब्लम ज्यादा आसान है देखो, लेकिन मैसेज विल बी थ्रू. अगर आप टॉर्क, पहली बात तो क्या है, ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला, P1 प्लस T2 इक्वल टू Mg, इक्वेशन नंबर 1. टॉर्क अबाउट ए अगर ले हम, अब ध्यान देना, टॉर्क अबाउट अगर ए ले, ए के अबाउट टॉर्क ले तो किसका टॉर्क नहीं होगा, ए के अबाउट टॉर्क ले
तो किसका टॉक नहीं होगा? T1 का नहीं होगा, T1 का नहीं होगा तो किसका होगा? MG का होगा, MG का क्लॉकवाइज होगा, ध्यान दो, MG का क्लॉकवाइज होगा एंड T2 का एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी MG into L बटे 2 इक्वल टू T2 into L, ध्यान दीजिए तो इसके अबाउट अगर आराम से, क्योंकि फिर इसके बाद अगला प्रॉब्लम करेंगे हम लोग, अगर इसके अबाउट टॉक लीजिएगा तो T1 का नहीं होगा, MG का होगा MG into L बटे 2 क्लॉकवाइज हुआ, T2 का हो जाएगा T2 का ये डिस्टेंस L, तो यहां से आपका T2 का वैल्यू हो गया सिंपली MG बटे 2, देखिए T2 का वैल्यू MG बटे 2 एंड यहां से आप घटा दो T1 का वैल्यू क्या आ गया, घटा के फिर MG बटे 2, तो आंसर आपका तुरंत के तुरंत आ गया। सिमिलरली अगर टॉर्क अबाउट लेते हैं, टॉर्क अबाउट अगर C लेते हैं, चलिए टॉर्क अबाउट अगर C ले तो देखो क्या होने वाला, टॉर्क अबाउट अगर C लेंगे तो फिर MG का होगा, MG का होगा ऐसा वाला MG into L बटे 2 इक्वल टू T2 का तो नहीं होगा लेकिन T1 का होगा, T1 into L, यहां से T1 तुरंत आ गया MG बटे 2 और फिर क्या लीजिएगा T2 इक्वल टू MG बटे 2 वहां से घटा के, देखो सेम आंसर है। तो टॉर्क अबाउट एक अबाउट, टॉर्क आप एक अबाउट लिया, टॉर्क आप आपने एक अबाउट लिया, टॉर्क आपने एक अबाउट लिया या टॉर्क अबाउट सी के लिया, आंसर आपके सेम आए, लेकिन तुरंत आ गया। तुरंत आने का क्या कारण था? क्योंकि अननोन आपका वहां से पास कर रहा है। अगर टॉर्क अबाउट बी के ले आप, अगर आप टॉर्क बी के अबाउट लेते हैं देन क्या होगा? If you take torque about B, मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल होगा? Torque about B जब आप लेंगे, तो T1 का भी torque होगा, T2 का भी torque होगा, तो दोनों मौजूद है। लेते हैं फिर भी, T1 का torque हो जाएगा ऐसा वाला T1 into L बटे 2 equal to T2 into L बटे 2। एक ही बार में नहीं आया आंसर। MG का नहीं होगा। B के अबाउट ले रहे हैं, MG का नहीं होगा टॉर्क। कहने का मतलब यहां से आया आपको कि T1 इक्वल टू T2, फिर इसको इसमें रखेंगे, फिर आपका आंसर आएगा। यहां से क्या मैसेज है? मैसेज ये है कि आप टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट लें, आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन हम ऐसा पॉइंट चूज करते हैं जिसके अबाउट ज्यादा से ज्यादा फोर्स पास करें, और खास करके जहां से ज्यादा अननोन पास करें, यहां से ज्यादा अननोन पास करें। जैसे अगर मान लो किसी प्रॉब्लम में आपको, किसी प्रॉब्लम में ये है एक फोर्स, ये है F1, एक है F2, आपको इलस्ट्रेट कर रहे हैं। अगर मान लो ये दिस वन है एंड एक फोर्स है F1, देन ये फोर्स है F2, देन एक फोर्स है आपको इस तरफ F3 एंड एक अकेला फोर्स है इस तरफ आपका F4। किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना पसंद करोगे बताओ? आपका ये है A एंड ये है B, किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना पसंद करोगे जिसे कि आपको आसानी से आंसर आए? नेचुरली आवर प्रेफरेंस शुड बी A, क्योंकि यहां से ज्यादा फोर्स पास कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा फोर्स पास कर रहा है तो इसका भी टॉर्क जीरो हो जाएगा, इसका भी टॉर्क जीरो, सब का टॉर्क, इन सारे का टॉर्क जीरो हो जाएगा, सिर्फ F4 का होगा। तो दैट्स द ग्रेट वे टू डू इट। तो अब थोड़ा सा और भी लोगों से हम बात कर लें, तो जो हमारा कहना था वो यही था कि टॉर्क आप लें ऐसे पॉइंट के अबाउट, अगर हम नोट लिखवाने के लिए बोलिएगा तो आई गिव यू टू सेंटेंस नोट, एंड टू सेंटेंस नोट वुड बी रियली वेरी यूजफुल। वो क्या है आप लिख लेंगे, वो ये है, पहला सेंटेंस ये है, टॉर्क अबाउट एक टॉर्क
about the point through which more number of forces pass. ये पहला चीज हो गया. दूसरा हो गया एक टॉर्क थ्रू अ पॉइंट अबाउट विच more unknowns pass. ये दोनों को आप लिख ले. ये दोनों मेरा नोट है. यही दोनों के लिए हम आपको कन्विंस कर रहे थे तब से. अब when you have understood it all, ये बताइए, एक सिचुएशन दे रहे हैं. इस सिचुएशन में आप बताएंगे ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया N1. मान लो ये फ्रिक्शन हो गया इस तरफ FR. एक फोर्स है आपका यहां से F, इस केस में बताइए एक फोर्स यहां से लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है, एक फ्रिक्शन इधर लग रहे हैं. किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना ठीक रहेगा? ओ ए एंड बी. बताइए इस केस में किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना बेनिफिशियल होगा, ये हमारा कहना है. अब सोच के बताइए, सोच के बताइए. आपको निकालना नहीं है, सिर्फ डिसीजन लेना है. डिसीजन लेना है कि किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेने से हमको बेनिफिट होगा. हाँ प्रभु नंदन yes, sir. क्या बताओ किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना बेनिफिट होगा? सर पॉइंट बी सर. एक्सेलेंट. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कन्विंस यू पीपल. तो सर वीडियो ऑन कर लो. व्हेनेवर यू टॉक जस्ट स्विच ऑन योर वीडियो. दैट्स इज बेटर. देखो क्या हो रहा है. ये फॉर इट इज फॉर एवरी वन ऑफ यू. वो इसमें ये रहा है कि बी पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क लोगे तो नॉर्मल रिएक्शन का भी टॉर्क जीरो होगा. यस सर. फ्रिक्शन का भी टॉर्क जीरो होगा. सिर्फ किसका होगा? एफ का. आपको आसानी होगा निकालने में. कुछ लोग क्या करता है, उसको ना आदत लगा हुआ होता है और उसको ऐसा लगता है कि सेंटर के अबाउट ना लेंगे ना तो सब कुछ खराब हो जाएगा. कुछ लोग सेंटर के अबाउट लेने लगता है, उसका भी प्रॉब्लम बनेगा. बट जिस तरह से हम स्ट्रगल हम लोग किए थे, कितना कैलकुलेशन बढ़ गया था. अगर ओ के अबाउट टॉर्क लोगे तो क्या होगा जानते हो? यस कैलकुलेशन हो जाएगा. सिर्फ किसका जीरो होगा? सिर्फ एन का. N1 का. N1 का जीरो होगा. लेकिन फिर किसका हो जाएगा? फ्रिक्शन का हो जाएगा आपका. तो प्रॉब्लम तो सॉल्व होने हैं, लेकिन आपका प्रॉब्लम का जो मात्रा है वो बढ़ जाएगा. तो इट इज ऑलवेज बेटर. एक्सेलेंट. सो यू हैव गिवन अ और ओके. Now, let me have a word with someone. Neha se baat karein. Where is Neha? Neha, you just switch on your video also. Aap apna video on kar le. Sir, nahi ho raha video on. Aapka video nahi on ho raha? Nahi. Chalo, koi baat nahi hai. Hum baat karte hain then.
जी से यानी ज्ञान प्रकाश से। ज्ञान प्रकाश बताइए। ठीक है सर। ठीक तो है, लेकिन हमारा मैसेज क्या है ये बताओ, हम क्या कहना चाह रहे थे इतना देर से? बोल रहे थे सर कि ऐसा जगह पे टॉक लेना है कि सब ज्यादा से ज्यादा फोर्स एक साथ आए। एकदम, ज्यादा से ज्यादा फोर्स पास करेगा तो उसका टॉक जीरो हो जाएगा, तो हमको कम मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ एक और बात हमने कहा, ऐसा पॉइंट चुनना है जहां से ज्यादा अननोन पास करे। अननोन पास करे, हाँ। अननोन अगर पास किया तो अननोन का भी क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो हो जाएगा, तो आपका जो इक्वेशन बनेगा उसमें अननोन का मात्रा कम कम रहेगा, एक आध अननोन रहेंगे, तुरंत के तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। तो यू विल रियलाइज दिस व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। आज आप जब बुक्स में जाएंगे, सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपके क्या होता है, क्लास में टाइम लिमिटेड रहता है तो इट इज अ लिटिल कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करना बेहतर होता है। हमको नहीं लगता है कि अब आप जब बुक सॉल्व करेंगे तो ज्यादा डाउट आने का कोई संभावना नहीं, यही मूल मंत्र था, तो बेसिक यही था। अब चलते हैं, देखिए तो एक्सेलेंट, यू हैव डन इट ग्रेट, एंड तो वीडियो आप अपना ऑफ कर लेना। एंड अब हमारा क्या कहना है, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज के बारे में जो हमको कहना था वो तो हमने कह ही दिया। अब हमको क्या कहना है बताते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को एक्सेलरेशन पर जाना है, वो हम लोग कल के क्लास में जाएंगे, लेकिन आज के क्लास में थोड़ा सा हम आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड कुछ बात बता दें। तत्काल इसको उतारिए, फिर हम आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर कुछ और बात आपसे करेंगे। थोड़ा सा जल्दी उतारे इसको। So, एक दो चीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताना जरूरी है। आई थिंक सारे लोग लिख लिए होंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जैसे ये कोई रॉड है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपको आईसी इक्वल टू, याद ही आपको एम एल स्क्वायर बाय 12। इसके अबाउट आपको हो जाता है आई इक्वल टू, पता ही है ये एड कर देंगे ml square बटे 4, तो ये हो जाता है ml square बटे 12 plus m into l बटे 2 का होल स्क्वायर, और ये कैलकुलेट के आ जाता है ml square बटे 3। तो कहने का मतलब रॉड के केस में अगर सेंटर से एक्सिस पास कर रहा है तो ml square बटे 12, एंड अगर एज कॉर्नर से पास करता है तो ml square बटे 3। इसका इंपैक्ट क्या है, इससे हमको क्या सा फायदा होगा, इससे हमको क्या सा फायदे होंगे, इससे हमको क्या सा फायदा होगा? ठीक है, ये तो रॉड का आप जानते हैं। अब जैसे एक बुक है, बुक का कैसे निकलेगा, तो बुक का थोड़ा सा बुक लेके हम आपको बताएंगे, और वो हम आपको ऐसे बताएंगे, जस्ट वेट, I'm just getting a book from somewhere and then I'll let you know. देखिए ये बुक है,
अपना इसमें डिसाइड कर लो कि ये है लेंथ एल, ये लेंथ एल हो गया, ये अंदर की तरफ बी एंड ये मोटाई इसका सपोज हो गया एच, एल बी एल देन दिस वन इज बी एंड दिस 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 वन इज एच। अब अगर हम एक्सिस ले तरह तरह का तो क्या सब हमारा जवाब होगा। जैसे देखो अगर मेरा एक्सिस यहां से पास कर रहा है बिल्कुल मिडिल पॉइंट से, ये देखिए बिल्कुल मिडिल पॉइंट से, ये बताओ ये एल पर परपेंडिकुलर है और एल के बीचों बीच यहां पर खींच दो एक लाइन, एल पर परपेंडिकुलर है एल के बीचों बीच, यानी ये हो गया एम एल स्क्वायर बटे 12, बी के बीचों बीच भी है ये हो गया एम बी स्क्वायर बटे 12, लेकिन एच के पैरेलल है तो कोई भी नहीं। कहने का मतलब इसके इसके अबाउट हो जाएगा इस बुक का, इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा एम एल स्क्वायर बटे 12 प्लस एम बी स्क्वायर बटे 12। अगर इस कॉर्नर पर आ जाए, रिमेम्बर अगर हम इस कॉर्नर पर सपोज यू नो इस कॉर्नर पर अगर आ जाए तो देखो एल के कॉर्नर से पास कर रहा है, एल के कॉर्नर से पास कर रहा है एम एल स्क्वायर बटे 3, बी के कॉर्नर से पास कर रहा है एम बी स्क्वायर बटे 3, एच के पैरेलल है तो कुछ भी नहीं होगा। क्या मैसेज है, मैसेज हम क्या देना चाहते हैं, बीचों बीच मतलब सेंटर से पास क्या एम एल स्क्वायर बटे 12, कॉर्नर से पास क्या एम एल स्क्वायर बटे 3। तो जो हम कहना चाहते हैं जैसे देखिए ये सपोज एल, ये सपोज बी, या ये सपोज एच, ये सपोज बी। हम समझते हैं कि ये आपको समझाने के बदले ये परेशान कर देगा, इसमें जाने का जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या करोगे, किसी भी बुक का अगर देखोगे तो देख लेना उसमें तीन डायमेंशन होता है एल बी और एच। एल के अगर बीचों बीच है एम एल स्क्वायर बटे 12, बी के बीचों बीच है एम एल स्क्वायर बटे एम बी स्क्वायर बटे 12 एंड सो ऑन। अगर कॉर्नर से है तो एम एच स्क्वायर बटे 3 और एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये तो ये हो गया, ये मेरा कुछ कहना था। उसके बाद एक और चीज आपको बताना है, ये कोई डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है, इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा मम्मी जब इनर्सिया। आप क्या करते हैं, कल भी बताया था आपको, इसके अबाउट पता है, इसके अबाउट पता है एम आर स्क्वायर बटे टू, इस पेन के अबाउट पता है एम आर स्क्वायर बटे 2, और ये इक्वल है आई प्लस आई टू आई, टू आई इक्वल टू। तो ये अगर ये आई है, ये आई है तो आप लिखेंगे क्या चीज, कल भी बताया था आई जेड इक्वल टू आई प्लस आई एक्स प्लस आई वाई, ये हो गया एम आर स्क्वायर बटे 2 इक्वल टू आई प्लस आई, यानी आई का वैल्यू हो गया एम आर स्क्वायर बटे 4। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया एम आर स्क्वायर बटे 4, इसको रहने दो। हम क्या कहना चाहते हैं अभी आपको पता चलेगा। अगर हम इसी डिस्क में इसको ऑफ करो,
अगर इसी डिस्क में ये आपको कितना आया, ये आया आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बटे फोर, अभी अभी निकाला है। इसके अबाउट आई डैश क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन तो देखिए ये ना, एंड साथ ही ये आपको दे देगा फोर यू नो 45 डिग्री। तो आपको ना एक कंफ्यूजन होगा, पहली बात तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन, इसके अबाउट आई एम आर स्क्वायर रूट ऑफ 4 अभी अभी निकाला, आपको इसके अबाउट आई चाहिए, आई डैश चाहिए, रिमेंबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर नहीं है, फोर्स को आप एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको नहीं। तो आपको एक लालच होगा मन में, ये आई है तो इधर हो जाएगा आई कॉस 45, नहीं यहां पर कॉस 45 साइन 45 नहीं करना, दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू। तो क्या करोगे, इसमें लॉजिक लगाओगे, क्या लॉजिक है भाई बताइए, तो इसको पहचानो, ऑफ करो, ये डायमीटर है ना, डायमीटर के अबाउट कितना है आंसर, डायमीटर के अबाउट आपका, ये डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसके अबाउट कितना, ये भी तो डायमीटर है आपका जो है ना, डायमीटर के अबाउट आया एम आर स्क्वायर रूट ऑफ 4, चाहे कोई भी डायमीटर हो, तो कहने का मतलब ये भी तो एक डायमीटर है, इसका भी आंसर क्या होगा, एम आर स्क्वायर रूट ऑफ 4, नॉट कॉस 45, कॉस 45 नहीं करना है, आपका जो आंसर है डायमीटर के अबाउट, चाहे एक और डायमीटर हो, अगर ये है बताइए ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, mr square root of 4। तो ये cos 45 और cos theta और sin theta वगैरह से बचेंगे आप, थोड़ा सा बात कर ले हम कुछ लोगों से, ज्ञान प्रकाश बताओ, यस ये समझा हमने क्या कहने का कोशिश किया, यस सर, इसमें ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसमें cos 45 sin 45 नहीं चलता है, नहीं चलता है सर, डायमीटर है इक्वल होगा, डायमीटर है तो डायमीटर है, डायमीटर के अबाउट अगर एमआर स्क्वायर रूट ऑफ 4 आया तो चाहे कोई भी डायमीटर हो तो क्या होगा, एमआर स्क्वायर रूट ऑफ 4 होगा। लेकिन क्या करता है ये आईआईटी में या फिर कहीं कहीं देखोगे आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे क्या दिया जाएगा एक बार और बता दे, ये दे दिया आपको आई, ये दे दिया एंगल थीटा, एंड ये आई डैश इक्वल टू बोल देगा आई कॉस थीटा, बोल देगा ट्रू है या फॉल्स है, बताओ क्या बोलोगे, फॉल्स, फॉल्स, नेचुरली फॉल्स, ये आई है तो ये भी क्या होगा, आई मतलब आई जो भी है, जो भी है, अगर आई दे दिया तो ये आई, तो ये भी आई, लेकिन आई कॉस थीटा नहीं होना है। चलिए तो ये चीज कल का क्लास में हमने नहीं कर पाए थे, तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट आइडिया दैट, तो कल के क्लास में फिर हम लोग शुरू करेंगे आगे का चीज सब, एंड आई एम श्योर एक बार फिर सारे लोग हम लोग आ जाएं और जस्ट हैव अ लाइक यू नो एंडिंग जो है, ऑल ऑफ अस लेट्स स्विच ऑन आवर वीडियोस एंड देन सी ईच अदर लाइक वेयर आर वी। प्रिंस झा से हमारा बात नहीं हुआ था, प्रिंस झा, माय गॉड प्रिंस झा, बोलो प्रिंस झा कहाँ है रे, प्रिंस झा बोलो, प्रिंस झा क्या हाल है, सारे लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, प्रिंस झा क्या हाल है, गुड मॉर्निंग। देखिए क्या है ना कि हमको फिजिक्स को थोड़ा सा लाइक रोटेशन छूटा हुआ था, देन फ्लूइड हमारा छूटा हुआ है, तो इन सब चीजों को तो खत्म करना है ना, तो कब खत्म कर लोगे, अभी कर टाइम है कि हमको खत्म करना है, ओके तो यस सर, हाँ तो उसको कर लेते हैं, फिर बाकी तो क्लासेस वगैरह चलते ही रहेंगे। इधर बात कर लेते हैं विशाल कुमार भगत, विशाल कुमार भगत क्या क्या सब चल रहा है तुम्हारा, यस सर एकदम ठीक ठाक चल रहा है, यस सर, कहाँ घर हुआ तुम्हारा, पाकुड़िया सर, पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट, पाकुड़िया, बहुत दूर हो तुम, उधर क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक है, हाँ सर देवघर में आ गया कोरोना, चलिए ठीक है ओके। एंड इधर बात कर लेते हैं हम नासिर से, नासिर बम्बई वाला, ये फ्रॉम बम्बई ना, यस सर, महाराष्ट्र बोर्ड ना, यस सर, ओके कैसा चल रहा है तुम्हारा पढ़ाई लिखाई, अच्छा चल रहा है, चलो ठीक है, थोड़ा सा अंशिका से बात कर लेते हैं, अंशिका अंशिका अंशिका, हाँ अंशिका जी बख्तियारपुर ठीक ठाक, यस सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, लेकिन बहुत देरी से कभी कभी आते हो, क्लास नहीं छोड़ना चाहिए,
ओके क्लास हम लोगों को नहीं छोड़ना है, हम लोगों को टाइम पर रहना है, करते हैं। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी विल अगेन सी टुमारो 10 o'clock. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू.